आज हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग की डेफिनेशन ये है कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स एंडिंग विद अ नल कैरेक्टर। ठीक है, ये कह रहे ही समझ लें आप। लेकिन इसमें एक टेक्निकल सा डिफरेंस है। देखें, एरे तो आप किसी भी डेटा टाइप की बना सकते हैं, इंट की बना सकते हैं, डबल की बना सकते हैं, फ्लोट की बना सकते हैं, करेक्टर्स की भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये एक एरे ही नजर आ रही होगी। इस पूरी मतलब ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, इसका नाम क्या है, एक्स है, और इस ऊपर ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3 वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो बजाहिर आपको ये एरे ऑफ करेक्टर्स नजर आ रही होगी। ये इंट्स नहीं है, ये करेक्टर्स है। ठीक है, हर एलिमेंट सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने इसको लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। करेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखा जाता है। और लेकिन इस यहाँ पे आपको एक स्पेशल करेक्टर नजर आ रहा होगा, ये वाला। ये दिखने में तो दो करेक्टर लग रहे हैं, बैक स्लैश 0, लेकिन कंप्यूटर्स अपनी मेमोरी के अंदर इसको सिंगल करेक्टर काउंट करता है, और इसको हम कहते हैं नल करेक्टर। नल करेक्टर बेसिकली क्या करता है, नल करेक्टर को मैं यहां पर लिख देता हूं एक दफा फिर, ये बैक स्लैश 0 कहते हैं इसे। नल करेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स की स्पेशलिटी स्ट्रिंग में और एरे ऑफ करेक्टर्स में ये डिफरेंस है नल करेक्टर का। एरे ऑफ करेक्टर्स में ये चीज नहीं होती, नल करेक्टर नहीं होता इसके अंदर, स्ट्रिंग में ये होता है। तो कोई आपसे पूछे भाई एरे ऑफ करेक्टर्स और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप यही बताएंगे नल करेक्टर का डिफरेंस है। ठीक है, और नॉर्मली जब आप स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं, तो कंपाइलर ये जो नल करेक्टर है ये ऑटोमेटिकली या स्ट्रिंग के आखिर में इंसर्ट कर देता है, आपको नहीं लिखना पड़ता। अगर आप चाहें तो खुद मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। आप इस वक्त मैंने आपके सामने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, एमएस वर्ड का काम ही सारा स्ट्रिंग्स के ऊपर है। ये जो मैंने जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सारी स्ट्रिंग नहीं है, सारी स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो हर तरह का करेक्टर आ सकता है। द करेक्टर मे बी एन अल्फाबेट और डिजिट और एनी अदर स्पेशल सिंबल। करेक्टर कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट, डिजिट्स, इसके अलावा ये करेक्टर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, एनी करेक्टर कीबोर्ड पर जो मौजूद है और जो कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है, कुछ करेक्टर्स बल्कि बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड से टाइप नहीं होते हैं। लाइक कॉपीराइट का सिंबल है, आपको इस पे नहीं मिलेगा कीबोर्ड पे कॉपीराइट का सिंबल, लेकिन वो करेक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्राफिकल करेक्टर्स होते हैं जो आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो होते हैं। लाइक ये सिंबल देख रहे हैं आप, ये भी एक करेक्टर है, और ये भी एक करेक्टर है, ये स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स के अंदर किसी भी किस्म का करेक्टर आ सकता है। तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे स्ट्रिंग को, हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। स्ट्रिंग बनाना आप लोगों ने सीखी हुई है, कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद स्ट्रिंग का नाम, जो भी आप नाम रखना चाहें, फॉर एग्जांपल एक्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज। ठीक है, ये स्ट्रिंग बन गई, डिक्लेरेशन हो गई इसकी। और अगर आप चाहें तो साथ में इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हाउस नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हाउस नंबर 32A। ये मैं स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल रहा हूँ इसके अंदर, ये देखें आप। ठीक
है, स्ट्रीट नंबर फॉर एग्जाम्पल 9 ABC कॉलोनी STK, ठीक है। ये ज्यादा करेक्टर्स हो गए आई थिंक, शायद 50, चलो मैं इसको 80 कर देता हूँ उसको ना, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है सारी, आप देख सकते हैं इसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, लोअर केस अपर केस, इसके अंदर डिजिट्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर ये स्पेशल सिंबल्स भी आ रही हैं, किसी भी किस्म का करेक्टर इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा स्टोर करना चाहते हैं, लाइक बुक के बारे में, तो बुक का जो टाइटल होगा वो स्ट्रिंग में आएगा, बुक का जो ऑथर नेम होगा वो भी स्ट्रिंग में आएगा, पब्लिशर का एड्रेस है वो भी स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। यानी डिजिट्स के अलावा जितना भी डाटा है वो सारा स्ट्रिंग में ही आता है, ठीक है। यहां पे एक आपने डिफरेंस याद रखना है कि डाटा हमारा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है और नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये दिखने में तो न्यूमेरिक डाटा है, लेकिन इसको हम न्यूमेरिक डाटा कंसीडर नहीं करते हैं। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि रोल नंबर्स को आमतौर पे प्लस माइनस नहीं किया जाता, जस्ट उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर रखा हुआ है हमने उसको। मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक के मार्क्स हैं, इंटर के मार्क्स हैं, या स्टूडेंट की फी है, उसको तो प्लस माइनस किया जा सकता है ना, लेकिन रोल नंबर को तो नहीं किया जाता कि दो दो स्टूडेंट्स के रोल नंबर को आपस में ऐड कर दें, ऐसा पॉसिबल होता है? तो समटाइम्स कुछ न्यूमेरिक डाटा भी ऐसा होता है जो आपको स्ट्रिंग्स में रखना पड़ता है। अब रोल नंबर इंट में नहीं आएगा, रोल नंबर डबल में भी नहीं आएगा, रोल नंबर आएगा स्ट्रिंग में, ठीक है। और इस तरह एक और एग्जाम्पल, वैसे तो जो सी शार्प लैंग्वेज है, VB.NET लैंग्वेज, जो इससे भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, वहां पे डेट टाइम का डाटा स्टोर करने के लिए आपको अलग से डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं डेट टाइम की, लेकिन यहाँ पे कोई अलग से डेट टाइम की डाटा टाइप नहीं है। यहाँ पे अगर आपने डेट स्टोर करनी है तो वो भी आप स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। दो ऑप्शन है, कल हमने स्ट्रक्चर्स को भी यूज किया था डेट को स्टोर करने के लिए, लेकिन वो स्ट्रिंग्स के अंदर भी स्टोर की जा सकती है, ठीक है। तो अब ये हमने स्ट्रिंग तो बना ली, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, और अब हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग तो बहुत बड़ी बन गई, हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसका नाम मैंने क्या रखा है, नेम, ठीक है। उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, 50। उस स्ट्रिंग का नाम क्या है, पाकिस्तान, नाम से मुराद उसका डाटा, ठीक है। अब इसमें मैंने कहीं पे नल करेक्टर स्पेसिफाई की है, यहां पे या इधर कहीं पे की है, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके एंड पे नल करेक्टर डाल देगा, ठीक है। एक और तरीका भी इनिशियलाइज करने का, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, उसका साइज ये दे दिया, और इस तरीके से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है, जस्ट लाइक एन एरे। ये देखें, एरे ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया अली, और इसमें आप खुद यहां पे नल करेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नल करेक्टर दे देंगे तो ये एज अ स्ट्रिंग शुमार होगी, नहीं देंगे तो ये एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स शुमार होगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे नहीं दे रहा तो अब ये स्ट्रिंग नहीं रहेगी, सही है। डबल कोटेशन में अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो वहां पे आपको नल करेक्टर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डाल देगा, लेकिन अगर आप उसको करेक्टर बाय करेक्टर वैल्यूज दे रहे हैं तो फिर आपने खुद से देना है, क्लियर, ठीक है। अगला काम, हमने इसके एरे के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई थी, आप इसको देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसका बिल्कुल वो वैसे ही स्टोर होगी जैसे एरे के अंदर डाटा स्टोर होता है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। और इनके ऊपर इंडेक्स भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरेज में था, ठीक है। तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सी आउट नेम ऑफ जीरो, नेम ऑफ, तो आप मुझे बताएं कि ये क्या डाटा, क्या आउटपुट आएगा, पी आएगा, शाबाश। पी कैसे आएगा, पाकिस्तान का जो पहला कैरेक्टर है कौन सा है, इसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो, जीरो, ठीक है।
ये पी लिखा आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप अगर यहां पे लिखते हैं नेम ऑफ वन, अब क्या लिखा आएगा? ए आ गया, ठीक है, समझ आ गई ये बात। और कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर? आठ। अगर मैं यहां पे नेम ऑफ सेवन लिखूं फिर क्या आएगा? ठीक है, अगर मैं नेम ऑफ एट लिखूं फिर क्या आएगा? नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता, ये एक हिडन कैरेक्टर है, ये डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। और अगर आप इससे भी आगे जाएंगे फिर क्या होगा? आई थिंक गार्बेज वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। नल कैरेक्टर के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। तो मतलब आपका जो लास्ट कैरेक्टर है ये वाला है, ये आपने सीखा कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, समझ आ गई ये बात। और अगर हम यही काम चाहें तो लूप के थ्रू भी हो सकता है। जीरो से लेकर कहां तक जाएंगे? सेवन तक। और इसमें वन बाई वन आप हर कैरेक्टर को डिस्प्ले कर दें, ठीक है। ये प्रिंट हो गया सारा। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? अगर हमारा जो ये अपर बाउंड है, अगर हमको ज्यादा दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गलती से 70 लग गया, देखते हैं अब क्या होता है। इट शुड प्रिंट गार्बेज डाटा। आ गया गार्बेज, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग्स का आइडिया हो गया, स्ट्रिंग्स क्या चीज है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस किया है, और ये हम इन फ्यूचर अभी अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। कुछ हमारी प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सी एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप करके आइएगा। लॉजिक सारी बताई हुई है मैंने आपको, लेकिन आपको दो तीन प्रोग्राम्स की लॉजिक इकट्ठी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है, आपने इसमें से नंबर ऑफ अल्फाबेट्स फाइंड करने हैं कितने हैं, और नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने कितने हैं, और नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं, और अदर करेक्टर्स कितने हैं। चलिए ये प्रोग्राम मैं बना देता हूँ आपके सामने, अभी परेशान पिछला काम भी आप लोगों ने कर लिया था, ठीक है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट्स के लिए हम ए रख लेते हैं, डिजिट्स के लिए हम बी रख लेते हैं, स्पेसेस के लिए सी रख लेते हैं, और अदर कैरेक्टर्स के लिए डी रख लेते हैं, और इन सबको इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से, ठीक है। इनिशियली ये काउंटर वेरिएबल्स हैं, मतलब ये जस्ट काउंट करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं ई, इसको भी जीरो कर देते हैं, ये आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है जी। नहीं, इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं, चार को यूज करते हुए आप स्ट्रिंग बनाएंगे। हाँ, लेकिन हम उसको एज एन एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए ना, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स, साइज मेंशन किया कितने करेक्टर नहीं है। अच्छा, लूप हम लगाएंगे एज यूजुअल, जीरो से लेकर कहां पे जानी चाहिए लूप? हाँ जी, ये इसको गौर से समझे जरा। हमने साइज क्या रखा है, लेकिन क्या इसके अंदर 80 करेक्टर्स हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें 80 करेक्टर्स हैं, कम होंगे। तो अब हमें कोई आइडिया नहीं है स्ट्रिंग कहां तक जानी है, कोई आइडिया है? इसकी लेंथ तो हमने फाइंड करनी है, तो कितने करेक्टर्स हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, इसका मैक्सिमम साइज क्या रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल डाटा कितना है इसमें? एट एट करेक्टर्स हैं। तो हमें नहीं आइडिया कि हमें अगर कोई स्ट्रिंग गिवन होती है, हमें कोई आइडिया नहीं होता कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। लेंथ हमने फाइंड करनी है उसकी, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। देखें, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है। हम एक वेरिएबल लेते हैं आई जीरो, और हमने यहाँ पे लिखा व्हाइल, व्हाइल व्हाट एक्स ऑफ आई। हाँ जी, शाबाश। क्या लिखा मैंने, ये कोई जिन्नाती जुबान नहीं लिखी हुई मैंने, एक्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, ठीक है, समझ आ गई। तो वैसे जो नॉन प्रोग्रामर्स होते हैं ना, उनको ये जिन्नाती जुबान ही लगेगी,
ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे हम इसकी लास्ट स्टेटमेंट में आई प्लस प्लस लिख देते हैं ताकि ये नेक्स्ट कैरेक्टर में भी मूव हो, ठीक है। और अब हम यहां पे लगाएंगे कंडीशन, इफ एक्स ऑफ आई इक्वल्स टू, बल्कि हम यूज कर लेते हैं आस्की कोड्स को, वैसे नॉन प्रोग्रामर्स को छोड़े, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे बैठे हैं जिनको ये जन्नाती जुबान लग रही है अभी, ये इसी को लग रही है जिसने बोला सही बात। भाई ये जो मैंने लॉजिक है ना ये सारी आपको समझाई हुई है कंडीशंस के चैप्टर में, मैंने आपको समझाया था कि किसी करेक्टर को अगर हमें चेक करना है कि वो अल्फाबेट है या नहीं है, तो ये सॉरी लॉजिक, ये जो आस्की कोड्स हैं ये हैं फॉर कैपिटल अल्फाबेट्स और ये हैं स्मॉल अल्फाबेट्स। अगर इस रेंज में कहीं पे आ रहा है आपका कैरेक्टर तो हम किसको इंक्रीमेंट करेंगे, ए प्लस प्लस। ये वेरिएबल हमने किस लिए लिया है, अल्फाबेट्स काउंट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज अगर उसकी रेंज ये है, ये रेंज कौन से कोड्स की है, स्पेशल करेक्टर्स की नहीं है, डिजिट्स की है, मुझे भी बुला दिया आप। बी प्लस प्लस 48 से लेकर 57 तक जो आस्की कोड्स होते हैं ये डिजिट्स के कोड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एल्स आना था, जी 57 67 से से मैंने क्या लिखा है, कैपिटल अल्फाबेट्स नहीं, 65 से 90 है। अदरवाइज हम एक और कंडीशन लगाते हैं, हमें स्पेसेस भी काउंट करने हैं ना, और स्पेस का आस्की कोड मुझे नहीं पता, 13 आई थिंक एंटर का है, एंटर की का है, स्पेस का मुझे नहीं याद, लेकिन उसका मेरे पास सोल्यूशन है। मैं यहाँ पे उसको ऐसे भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, सिंगल कोटेशंस के अंदर एक ब्लैंक स्पेस देके ऐसे भी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। करेक्टर वेरिएबल जो होता है वो डबल साइडेड वेरिएबल होता है, इंट की वैल्यू भी होती है उसके अंदर और चार वैल्यू भी होती है। ये जो दो मैंने कंडीशन लगाई है उसकी इंट वैल्यू उसके ऊपर लगाई है, ये जो लगाई है उसकी चार वैल्यू के ऊपर लगाई है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, ये मुझे कंफर्म है कि ये स्पेस मैंने सही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस प्लस आएगा, यहाँ पे डी प्लस प्लस आएगा, डी रिप्रेजेंट्स स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, सी रिप्रेजेंट्स स्पेसेस, और ई वेरिएबल लिया था हमने उसको भी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ई रिप्रेजेंट्स टोटल करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, समझ आ गई बात ये। तो अब हम जब हमारी लूप कंप्लीट होगी तो अब हम इसके स्टैटिस्टिक्स सारे डिस्प्ले कराते हैं, टोटल नंबर ऑफ, आप इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि आप कैपिटल को अलग काउंट करें और स्मॉलर को अलग काउंट करें, अब तो मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए आपको काउंट। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ गए, उसके बाद क्या होना चाहिए, डिजिट्स, उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस, स्पेशल सिंबल्स, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। यहां पे आ जाएगा बी, यहां पे सी, डी। चले जी देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। जी अल्फाबेट्स 13 हैं, डिजिट्स 3 हैं, ब्लैंक स्पेसेस 7 हैं, स्पेशल सिंबल 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 13। आई थिंक ये करेक्ट आउटपुट ही होगा, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, तो तकरीबन ठीक ही लग रहा है मुझे ये, ठीक है जी। कुछ समझ आई, आपने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, अब हम देखेंगे इनपुट कैसे लिया जाता है स्ट्रिंग्स के अंदर। इनपुट लेना जो है ना वो स्ट्रिंग्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है।
हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट, यहां पे हम बनाते हैं एक नया स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग का नाम दिया एनएम, एनएम मींस नेम, ठीक है, और इसमें हमने लेना है इनपुट यूजर से। तो हम कैसे इनपुट देते हैं, सीन आगे वेरिएबल का नाम, ऐसे इनपुट लेते हैं ना, इससे पहले एक अच्छा सा मैसेज भी दे दें यूजर के लिए ताकि उसको पता चले मैंने क्या इनपुट देना है, ठीक है। अच्छा जी, एंटर योर नेम, इसको मैं दोबारा एक दफा चेंज करता, इनपुट लेने के बाद मैं उसको एक और मैसेज शो करवा रहा हूँ, योर बल्कि वेलकम मिस्टर, आगे उसका नाम प्रिंट हो जाए, जो भी वो यूजर अपना नाम लिखेगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने अपना नाम लिख दिया जी, सही है आउटपुट, क्यों क्या हुआ जी? सीन फंक्शन का प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लैंक स्पेस जहां पे आता है ना उससे आगे इनपुट को इग्नोर कर देता है। मैंने अपना पूरा नाम लिखा, उसने जहां पे स्पेस आया उससे आगे सारे इनपुट उसने इग्नोर कर दिया, तो ये प्रॉब्लम है सीन फंक्शन का। तो इससे निपटने के लिए एक और फंक्शन लिखा गया है, ठीक है, उसका नाम है सीन डॉट गेट लाइन। सीन डॉट गेट लाइन एक फंक्शन है सीन का, और इसमें आप पहले लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग कौन सी है, उसके बाद उस स्ट्रिंग का साइज कितना है 50। अब इसको एक दफा फिर चला के देखते हैं, ठीक है। तो आपको सीन और सीन डॉट गेट लाइन का फंक्शन समझ आया। अच्छा, एक और फंक्शन भी है गेट एस, उसको भी देख ही ले। गेट एस का जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग्स डॉट एच के अंदर पाया जाता है, स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग था या स्ट्रिंग्स था जी। अच्छा, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूं और इसकी जगह पे लिख रहा हूं गेटस, ठीक है। गेटस में क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग का नाम, जस्ट सिंपल गेट एस, एस से मुराद यहां पर है स्ट्रिंग, इसने भी दोनों वर्ड्स एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, मतलब ये भी ब्लैंक स्पेसेस को काउंट करता है। और एक और फंक्शन है सीन डॉट गेट, आई थिंक ये बिल्कुल गेट लाइन की तरह ही है, एक दफा इसको चेक कर लेते हैं। जी, ये तीनों फंक्शन चल रहे हैं, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप इसको यूज करें, ठीक है, गेट लाइन को। अच्छा, जिस तरह से ये है ना गेट एस, इसी तरह पुट एस भी है एक फंक्शन। गेट एस होता है स्ट्रिंग्स इनपुट लेने के लिए और पुट एस आउटपुट देने के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा उसको, ठीक है। हाँ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन?